इन कुछ पॉइंट्स को आप अगर फॉलो करते हो तो आपका स्लिम स्टिक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का स्लिम स्टिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है, 50-60 मार्क्स तक आपका घट जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं देखेंगे, ठीक है। आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम्स कैसे देना है। मतलब 3 घंटा जो आप एग्ज़ाम देंगे वही तो आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम क्या होता है, मतलब हम छोटे छोटे मिस्टेक्स करके बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग हो जाता है हमारा, मतलब हमको वो आंसर आता है, ठीक है, फिर भी हम थोड़ा कुछ रीजंस की वजह से हम वो गलत कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा मार्क्स बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं पहले किस किस रीज़न से आपका सिली मिस्टेक होता है। एक ये होता है आपका ओवर कॉन्फिडेंट। आप कभी कभी कुछ क्वेश्चन देखते हो और आप मतलब आपको लगता है कि ये तो मैं 5 सेकंड में कर लूँगा, तो उसे जब आप ऐसे टिक कर देते हो तो आप मतलब एक्साइटमेंट में गलत एक मार्क कर देते हो, ठीक है। तो देखिए हर एक को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको अवॉइड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक वर्ड्स मिस्ड। जैसे होता है हम किसी किसी जैसे बायो में मैक्सिमम होता है आपका इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, ऐसे मतलब वर्ड्स रहते हैं जिनको हम ठीक से नहीं देखते और गलत आंसर आप मार्क कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम फिजिक्स और या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ आपके कैलकुलेशन का पार्ट, ठीक है, कैलकुलेशन में हम छोटे छोटे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और लास्ट में आता है एक OMR, मतलब OMR में तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब मैंने पहले भी एक अलग से वीडियो बनाया है OMR के ऊपर, OMR कैसे फील करना है और उसमें मैंने क्या बहुत बड़ी गलती की वजह से मेरे 100 मार्क्स कम हो गए, तो उसमें भी अपनी डिटेल समझाया तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है, आई बटन पर दे दिया है। तो अब हम बात करते हैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होके कैसे मतलब आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब मान लो एकदम पूरा 100% आप श्योर हो कि ये क्वेश्चन मेरा मतलब मुझे आता है, फिर भी आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, एकदम टाइम लेके अच्छे से 2 बार पढ़ो एटलीस्ट, उसके बाद आप मार्क करो। हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा 2-3 लाइन पढ़ के हम पूरा मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने भी फेस किया था तो मुझे एक्सपीरियंस है, आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप बहुत बार मतलब क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं आंसर भी आता है लेकिन हम ए को मार्क करते टाइम सी को मार्क कर देते हैं, ये होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो आप मैक्सिमम मतलब मिनिमम क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, उसके बाद एकदम ध्यान से देख के आप पहले क्वेश्चन में मार्क कीजिए, उसके बाद OMR में मार्क कीजिए, ठीक है। ये गया आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो आते हैं, उनको उनके लिए क्या करें। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, ठीक है, मान लो आपका एक वर्ड है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या फिर नॉट करेक्ट, ऐसे है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपने पेन से नॉट को ऐसे एक सर्कल कर दोगे, ठीक है। अक्सर हम नॉट को नहीं देखते और हम करेक्ट के मतलब हिसाब से हम आंसर मार्क कर देते हैं जिसकी वजह से हमका हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इनको हम ऐसे मार्क करके देंगे तो वो हमारे दिमाग में रहेगा और हम मतलब क्वेश्चन आंसर मार्क करते टाइम उसको मतलब ध्यान में रख के हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आता है वो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब छोटे से जगह में आप मतलब करना स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन के साथ में, जो मैंने फेस किया था वही होता है मैक्सिमम केस में। तो आप क्या कीजिए, एकदम लास्ट पेज में आपका खाली रहता है उसमें एकदम क्लियर करके लिख के आप कैलकुलेशन कीजिए। और कैलकुलेशन का एक स्ट्रेटेजी होता है, मान लो पूरा आपका एकदम पाई टू पाई कैलकुलेशन करने का आपका ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो 4.8 से आपका 2.5 के आपका मतलब मान लो 2.1 से आपका मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, ठीक है। जैसे 4.8 को आप 5 ले सकते हो, 2.1 को आप 2 ले सकते हो, तो इसका आंसर आपका 10 के आसपास आने वाला है, ठीक है। ऐसे आप मतलब अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करके आप भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये करना आपका लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। और आप क्लियरली आपका कैलकुलेशन करो एक मतलब खाली जो पेज रहता है क्वेश्चन के पीछे उसमें लिखा भी रहता है आपका पेज फॉर रफ वर्क, उसमें आप रफ करो। तो मैं क्या करता था, मतलब क्वेश्चन के साइड में जो थोड़ा सा जगह बचा रहता था उसमें कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता था, तो बहुत छोटा छोटा करके लिखता था तो तभी आप मेरा गलती हो जाता था, ठीक है। और OMR के लिए मैंने बता दिया, आप जाके देख सकते हो। तो OMR के लिए मैं एक ही पॉइंट सजेस्ट करूँगा कि आप एक एक करके मतलब मार करो, तो तब आपका मतलब गलती होने का चांस 90% कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तब आपके दिमाग में बस एक ही चलता है। मान लो 27 नंबर का क्वेश्चन आपका है ए,
ठीक है, वो आप जब आप OMR में मार करोगे तो भी आपके दिमाग में ए ही चल रहा होगा, लेकिन अगर आप 3, 4, 5 एक साथ मार करते जाए तो एक का आंसर ए है, एक का आंसर सी है, तो ऐसे आप मतलब एक का आंसर दूसरे में मार कर देते हो मैक्सिमम टाइम जो होता है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में डिटेल्स वीडियो मैंने बताया है, आप अगर आपका मतलब OMR में बहुत ज़्यादा गलती होता है तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो इन कुछ पॉइंट्स को आप अगर फॉलो करते हो तो आपका सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है, 50-60 मार्क्स तक आपका घट जाता है, तो जो कि बहुत मतलब बड़ा मार्क होता है, ठीक है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो होता था मैंने बताया, अगर आपको वीडियो काम का लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नीट से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, थैंक यू।